हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आप सभी का स्वागत है स्टडी पोर्टल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 6 मंथ की करंट अफेयर्स। जो भी 6 मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पर मंथ की, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको एक यहाँ पर एक बुकलेट नजर आ रही है जिस पर लिखा 6 मंथ की करंट अफेयर्स। कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें करंट जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई है उनको दिखा रही है। और ये जो बुकलेट है तैयार की गई है डॉक्टर विजय सीनियर फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस वो हैं 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं जो 6 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर करते हैं मार्च से लेकर आज तक की। इस बुकलेट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीटेट हो, डीएसएसबी, एचटेट, केवीएस या कोई भी स्टेट लेवल का टेट, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, कलर, रेलवे या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर के अलावा हमारे पास और भी बुकलेट तैयार है। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस का पूरा मटेरियल तैयार है जो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं कैसी कैसी बुकलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कुछ एग्जांपल के तौर पे हैं। हर एक बुकलेट में एक सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिस सेट दोनों अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान लिखा है, ये हमारे पास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसके साथ साथ कंप्यूटर एमसीक्यू, इसी के कंप्यूटर एमसीक्यू भी इसमें अवेलेबल है जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये 6 मंथ की करंट अफेयर जिसमें मैंने बताया आपको यहाँ पे 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं जो मार्च से लेकर अगस्त तक के क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीएसजी के पार्ट वन, इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। और जो पार्ट टू है इसमें है प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ईवीएस जो कि पीआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज ये पूरा कवर करता है इसमें। इसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं सामाजिक अध्ययन विज्ञान, यानी कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक ज्ञान जो हम बोलते हैं सोशल साइंस, ये भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं जीएसजी के 5000 क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है। इसमें आपको 5000 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? दिनकर दास, मानिक सरकार, लाल कॉनराड संगमा। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, कॉनराड संगमा। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, इनमें ये है कॉनराड संगमा जो कि अभी मेघालय के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने थे अराउंड मार्च के करीब। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली कानूनी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? पोलैंड, स्पेन, आयरलैंड, मार्शल आइलैंड। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह इस तरह की करेंसी, तो हम देखते हैं किसने की है ये, मार्शल आइलैंड ने। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है बिटकॉइंस, इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2017 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? चौथा, पहला, आठवां या दूसरा? दोस्तों, इसमें जो स्थान मिला है वो मिला है चौथा। आप यहां पर इसमें देख सकते हैं जो पहला स्थान रहा है वो रहा है यूएस का, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथे नंबर पर रहा है इंडिया यानी कि भारत अपना, और फिफ्थ नंबर पर है यूके। ये टॉप 5 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग पावर्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले नंबर पर यूएस, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया और पांचवा यूके रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने कि अपने देश में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता आयोजन करवाया है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया। इसका आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब वो देश है जिसने अपने यहाँ पर पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये आप देख सकते हैं, सऊदी अरबिया होल्ड्स फर्स्ट मैराथन फॉर वुमन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने आगामी 10 दिनों हेतु आपातकाल लागू किया है? किस देश ने 10 दिनों के लिए इमरजेंसी लागू की थी? श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान। तो इसका आंसर दोस्तों श्रीलंका, ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड इज नॉट फॉर ओनली फॉर मुस्लिम, जो ये देश है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, इस टॉपिक पर ये था श्रीलंका में जिसपे 10 दिनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। किस शहर में भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस की गई है? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या भोपाल? इसका आंसर है दोस्तों सी, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बेंगलुरु क्या अपना हाईटी हब है, एडवांस सिटी है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या शुरू की गई है, हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस।
ये आप देख सकते हैं, बेंगलोर स्टार्टेड एयरपोर्ट हेली टैक्सी सर्विस। अगला क्वेश्चन, 90 ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा में किसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला है? टॉम क्रूज, जैकी चैन, एडम सैंडलर, गैरी ओल्डमैन। तो इसका आंसर है दोस्तों गैरी ओल्डमैन। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये 90 ऑस्कर यानी कि 90वां ऑस्कर था जिसमें इनको मिला है, गैरी ओल्डमैन को। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर कौन बनी है? मंजू देवी, गीता चावला, अनामिका शर्मा या कृष्णा कुमारी। तो पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर जो बनी है उनका नाम है कृष्णा कुमारी। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये कृष्णा कुमारी है जो पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर बनी है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को कला और राजनीति में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा या राज बब्बर? तो दोस्तों इसका आंसर है शत्रुघ्न सिन्हा। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कला और राजनीति के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? नवजोत कौर, गीता फोकाट, साक्षी मलिक, कविता देवी। इसका आंसर है दोस्तों ए, नवजोत कौर। ये आप देख सकते हैं नवजोत कौर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान दिवस यानी कि साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 26 फरवरी को, 25 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को? तो दोस्तों जो साइंस डे है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, और जो नेशनल साइंस डे है इज कमेमोरेटेड इन द ऑनर ऑफ श्री सी वी रमन फॉर हिज लेगेसी हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1928। जो राष्ट्रीय साइंस डे है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो मनाया जाता है सी वी रमन के ऑनर में, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को 28 फरवरी 1928 को। तो ये यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय महिला क्रिकेटर पंजाब पुलिस में डीएसपी बनी है? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, करुणा जैन, झूलन गोस्वामी। तो आंसर है दोस्तों इसका ए, हरमनप्रीत कौर। आप देख सकते हैं ये हरमनप्रीत कौर है जो महिला क्रिकेटर है, ये पंजाब पुलिस में डीएसपी बनी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान कौन बने हैं? एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया से, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश, राशिद खान अफगानिस्तान से या फिर महेंद्र सिंह धोनी भारत से? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बने हैं। ये आप देख सकते हैं ये राशिद खान है जो कि अफगानिस्तान के हैं, इनकी टी शर्ट पर भी लिखा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है? कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? ये खिताब जीता है ए, कर्नाटक ने। या पिक्चर में देख सकते हैं ये कर्नाटक की पूरी टीम है जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2018 का क्रिकेट टीम का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आई डी ए आई यानी कि जो अपना आधार के लिए होता है, ने कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार जारी किया है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 8 साल। तो दोस्तों वो आंसर है 5 साल, बी। यूआईडीएआई ने 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए एक बाल आधार जारी किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज गेट्स ए ब्लू कलर्ड आधार कार्ड कॉल्ड बाल आधार। तो जो बाल आधार है वो ब्लू कलर में होगा और 5 साल से कम बच्चों के लिए होगा। आधार क्या है, मेरी आधार मेरी पहचान, ये इसका लोगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी है? ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी कतर। किस देश की महिलाओं को अनुमति मिली है? दोस्तों इसका आंसर है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में महिलाओं को सेना में भर्ती होने की भी अनुमति मिली है और सऊदी अरब में क्या हुआ था, फर्स्ट मैराथन भी हुआ था। तो ये आप साथ में याद रखिएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरब की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ हुआ है? ए अहमदाबाद शहर में, बी जयपुर में, सी हैदराबाद में या फिर डी रांची में? इसका आंसर है दोस्तों सी, हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 21वां यानी कि 21st राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हुआ है अपने हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शहर में विदेशियों की सैलरी सबसे अधिक बताई गई है, किस शहर में? मुंबई, जयपुर, बेंगलोर या फिर गुड़गांव? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, मुंबई। मुंबई में है जो मिलेनियम सिटी, उसमें विदेशियों की सैलरी सबसे अधिक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नए विदेश मंत्री के लिए किन्हें चुना गया है? रेक्स टिलरसन,
जेसी ओवेस, हिलेरी क्लिंटन या फिर माइक पोम्पियो। इसका आंसर है दोस्तों डी, माइक पोम्पियो। या आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये माइक पोम्पियो हैं जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना है? ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी भारत, डी रूस। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। हथियार खरीदने में भारत क्या है, नंबर वन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसका लक्ष्य क्या है? जो पीएम मोदी ने अभी टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन किया है उसका लोगो, उसका लक्ष्य क्या है? ए वर्ष 2025 तक देश में टीबी रोग समाप्त करना, बी वर्ष 2020 तक देश में टीबी रोग समाप्त करना, सी वर्ष 2022 तक देश से टीबी रोग समाप्त करना, या फिर वर्ष 2030 तक देश से टीबी रोग को समाप्त करना। तो यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों ए, 2025 तक देश से जो है टीबी रोग समाप्त कर देना, यानी कि टीबी फ्री देश हो जाएगा 2025 तक। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वस्थ नागरिक सशक्त राष्ट्र। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है टीबी यानी कि तपेदिक मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हो गया है। तपेदिक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना बनाई गई है। योजना को अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए के लिए आवंटित किया जाएगा। तो इसका जो बजट रहेगा वो रहेगा 12,000 करोड़ और 3 वर्षों के लिए है ये। प्रत्येक मरीज को गुणवत्ता संपन्न रोग निदान उपचार और समर्थन सुनिश्चित करना, और क्या है इसका लक्ष्य, वर्ष 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त करने का लक्ष्य, यानी कि टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद में राष्ट्रपति की समय सीमा समाप्त कर दी गई है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर राष्ट्रपति की समय सीमा समाप्त कर दी गई है? ना वहां पर 65 साल है, ना वहां पर 70 साल है। जितना जब भी आप जिस एज में हो आप अप्लाई कर सकते हो, जापान, अमेरिका, चाइना या इंग्लैंड। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, चाइना। चाइना ने राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी है, यानी कि अंतिम सांस तक अब चीन के राष्ट्रपति रहेंगे जिनपिंग, क्योंकि अभी जो करंट है वो कौन है, जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। तो वो अंतिम सांस तक रह सकते हैं, उनके लिए कोई अभी एज लिमिट नहीं है, वो खत्म कर दी गई है चाइना में राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आप देख सकते हैं फंडिंग फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस है इसकी, ये कहाँ पर हुई है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीटीओ नियुक्त की गए हैं? तो ट्विटर के नए सीटीओ कौन बने हैं? ए देवेश भारती, बी इंदिरा शर्मा, सी मोहन कपूर या फिर डी पराग अग्रवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के नए सीटीओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आईआईटी का मुंबई का छात्र है ये, जो ट्विटर का सीईओ बना है पराग अग्रवाल। ये आप यहाँ पर उसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये ट्विटर, ट्विटर का साइन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा देने का निर्णय लिया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी पंजाब। तो दोस्तों राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया कि बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा होगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला क्या है, बच्चों से रेप करने वाले को होगी फांसी की सजा। रेप मामले में मौत की सजा के प्रस्ताव प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और करीब 2.5 घंटे के बाद चली गई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर के भारत में नए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया? ए विराट कोहली, बी वरुण धवन, सी रणवीर सिंह या फिर डी वीरेंद्र सहवाग। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, विराट कोहली। उबर के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों बी पूजा कौर, उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। सॉरी जस्टिस गीता मित्तल, इसका आंसर है डी, जस्टिस गीता मित्तल को अवार्ड किया गया है नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड 2017 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रीतजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अनिल निगम, बी मनोज गोरखा, सी अजीत रेवाड़ी या फिर डी बालकृष्ण दोषी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बालकृष्ण दोषी को प्रीतजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप उनका पिक्चर देख सकते हैं, यह है प्रीतजकर अवार्ड की फोटो, इस तरीके का प्रीतजकर अवार्ड का जो है कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ एक दूसरे के कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनाई है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी फिर ईरान।
तो दोस्तों यहाँ तो पाकिस्तान के साथ ही ऐसे समझौते होते हैं जहां पर एक दूसरे के कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनाई गई है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ए इसका आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज है और यहाँ पर पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, दोनों आपस में जो है किसान कैदियों को रिहा करने पर इनकी सहमति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए, डियर अलाउंस, बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ए 7%, 7%, बी 9%, सी 8%, या फिर डी 6%। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 7% कर दिया गया है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर। 7% बढ़ा महंगाई भत्ता, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने विदुर पेंशन लागू किए जाने की घोषणा की है? विधवा पेंशन हर किसी को मिलती है, मतलब नॉर्मल है। विदुर यानी कि अगर किसी भी इंसान की वाइफ मर जाती है, वो विदुर हो जाता है, तो वो पेंशन किस राज्य की सरकार ने लागू की है? ए हरियाणा, बी मेघालय, सी असम, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है ए हरियाणा ने, हरियाणा राज्य की सरकार ने विदुर पेंशन लागू करने की घोषणा की है। हरियाणा में अब पत्नी के देहांत पर पति को मिलेगी पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी मिली है? ए 2020 तक, बी 2030 तक, सी 2025 तक, या फिर डी 2028 तक। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 2020 तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि RUSA को जारी रखने की मंजूरी मिली है। RUSA क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी कि वो पार्क क्या होगा, प्लास्टिक की चीजों से बनाया जाएगा रिसाइकल करने के लिए। ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर है बी झारखंड में प्लास्टिक पार्क को की स्थापना को मंजूरी मिली है। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक पार्क जो है ये झारखंड में देवघर में बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जो प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने कितने उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता दी है? ए 60, बी 30, सी 40, डी 50। तो दोस्तों ए यानी कि 60 जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको UGC ने स्वायत्तता दी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने टीबी के मामले में रिपोर्ट नहीं करने पर डॉक्टरों को कितने साल तक की सजा देने का निर्णय लिया है? यानी कि अगर कोई डॉक्टर है और उसके पास टीबी का मामला आता है तो उसकी जानकारी केंद्र सरकार को देनी है, अगर वैसा नहीं किया गया तो डॉक्टर को सजा मिलेगी और वो सजा कितने साल की होगी वो आपको बताना है यहाँ पर। ए 1 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, या फिर डी 7 साल। तो दोस्तों आंसर है बी यानी कि 2 साल, 2 साल की सजा होगी डॉक्टरों को अगर डॉक्टरों के पास टीबी का कोई मामला आता है और वो उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं देता है। तो टीबी यानी कि ट्यूबर क्लोसिस, तपेदिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास यानी कि वरुण 2018 शुरू किया है? ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या फिर डी इंग्लैंड। दोस्तों फ्रांस के साथ भारत ने मिलकर संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2018 शुरू किया है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं वरुण 2018 इंडियन फ्रांस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वन स्टार्टेड। जो भी इंडिया और फ्रांस जैसे कि किसी भी दो स्टेटों की नेवल जो एक्सरसाइज होती है उसका कोई ना कोई ऐसे नाम होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको बाकी जो और नेवल एक्सरसाइज है उनके नाम याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं किसको? सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, या फिर अक्षय कुमार। इसका आंसर तो आई थिंक आप सबको आता होगा, जो भी टीवी देखते हैं एड में आता रहता है, सी आमिर खान। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वीवो जो स्मार्टफोन है उसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सुनील नैयर, अरविंद कुमार, अंजुम शर्मा, या फिर दीपक अग्रवाल। इसका आंसर है दोस्तों ए सुनील नैयर को सोनी इंडिया के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, या आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर, सुनील नैयर हैं ये जिनको सोनी यानी कि मेक बिलीव जिसका लोगो है उसके प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? ए वाशिंगटन सुंदर, बी निरोशन डिकलेवा, सी मुस्तफिजुर रहमान, या फिर डी सौम्य सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर है ए वाशिंगटन सुंदर, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये वाशिंगटन सुंदर हैं जो कि सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश मंजूर कर ली है? यानी कि कोई राज्य है जहां पर लिंगायत को अलग धर्म बनाने के लिए सिफारिश की गई थी, अब उसको मंजूर कर लिया गया है, वो कौन सा राज्य है? ए कर्नाटक, बी असम, सी महाराष्ट्र या फिर डी मेघालय। तो दोस्तों इसका आंसर है ए कर्नाटक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री है उनकी, कौन है लिंगायत और क्या थी इनकी मांगे। इनकी लिंगायत की स्थापना हुई थी दोस्तों 12वीं शताब्दी में, ये आप उनका फ्लैग देख सकते हैं। इनके संस्थापक थे बासवन्ना, उन्होंने इनका संस्थापक मतलब स्थापना की थी लिंगायत की। उनके विचार थे कि मृत्यु के बाद शव को जलाने नहीं दफनाने की यहाँ पर परंपरा है इनकी, और जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी। यानी कि जन्म के आधार पर लोगों का वर्गीकरण ना हो बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण हो, और मृत्यु के बाद शव को जलाया ना जाए बल्कि उनको दफनाया जाए। तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है लिंगायत, और इनकी मांग थी कि हिंदू धर्म से अलग मान्यता मिले लिंगायत धर्म को, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उसी तरह लिंगायत को मिले। इनकी आबादी दोस्तों कर्नाटक में 18% आबादी जो कर्नाटक में वो लिंगायत है, तो इन लोगों को एक अलग धर्म का दर्जा जो देने की इन्होंने सिफारिश की थी उसको मंजूर कर लिया गया कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक में अब एक लिंगायत भी एक अलग धर्म है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उसी तरह अब कर्नाटक में लिंगायत भी एक अलग धर्म है, जो कि 18% आबादी कर्नाटक की लिंगायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 3 दिवसीय वार्षिक कृषि उन्नति मेला शुरू हुआ है, इस मेले की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी ये आपको बताना है। ए 1972 में, बी 1941 में, सी 1990 में या फिर डी 1968 में। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 1972 में जो है कृषि उन्नति मेले की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 दिन तक चला था, अभी ये चला था दोस्तों 16 से 18 मार्च तक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कब से कब तक हुआ था, 16 से 18 मार्च तक हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, मेला ग्राउंड IARI पूसा में ये हुआ था, कृषि उन्नति मेला दिल्ली में, ये आप याद रख सकते हैं, और 1972 से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये समय समय पे कुछ इंडेक्स आते हैं, सूचकांक यानी कि इंडेक्स, कुछ समय समय पे रिपोर्ट आती है जहां पर आपको ये याद रखना होता है कि भारत को कौन सा स्थान मिला था, स्वास्थ्य से संबंधी या फिर आपकी अमीरी से संबंधी, जैसे अभी आई थी कि कौन सबसे अमीर है या फिर कौन सा शहर सबसे साफ है, कौन सा शहर सबसे कौन सा जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे गंदा है, कौन सा शहर सबसे रहने लायक योग्य है, कौन सा शहर रहने लायक योग्य नहीं है। तो इस तरीके की इंडेक्स आप हमेशा याद रखें, कुछ याद रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर से टॉप से कौन है, सबसे लोवेस्ट से कौन है, या कुछ वर्ल्ड का है ऐसा इंडेक्स, तो इंडिया का क्या रैंक है उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक क्या है, तो कुछ ये रैंक आपको याद रखने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊर्जा संकट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ए 78, बी 43, सी 73 या फिर डी 90। तो दोस्तों 78 वह स्थान है ऊर्जा संकट सूचकांक में भारत का, ऊर्जा से रिलेटेड आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी शिखर धवन या फिर डी हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इसका आंसर है बी केएल राहुल को चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर, यहाँ पर आप उनके पिक्चर भी देख सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2018 यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2018 के तहत दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी बेंगलुरु, डी पेरिस। तो दोस्तों इसका आंसर है ए सिंगापुर बना है दुनिया का सबसे महंगा शहर वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जहां पे रहना सबसे महंगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P10 मोस्ट और लिस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन 133 सिटीज का सर्वे किया गया था सितंबर 2016 में, जिसकी ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो जो नंबर वन शहर है वो है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है हांगकांग, ठीक है, तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है ये, चौथे नंबर पर है टोक्यो, पांचवें नंबर पर है ओसाका, छठे नंबर पर है सियोल जो कि साउथ कोरिया का है, सातवें नंबर पर पेरिस फ्रांस का और जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। ठीक है दोस्तों, और आठवें नंबर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नौवें नंबर पर है कोपेनहेगन डेनमार्क और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आप पर देख सकते हैं जो कि टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं, और अगर हम नीचे से शुरू करें, मैंने आपको बताया 133 सिटीज का था, तो 133वीं सिटीज कौन थी हमारी, अल्मेटी कजाकिस्तान से, और 132 पे यानी कि 132वें लगोस नाइजीरिया से है, 131वें पे बेंगलोर है लिस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, इसी तरह 130वें पे है कराची पाकिस्तान में, 129वें पर आप यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी देंगे टॉप 10 और लोवेस्ट 10 आप याद रखने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं रहते तो फर्स्ट टॉप 3 कौन सी है और लोवेस्ट 3 कौन सी है। और यहाँ पर बैंगलोर का नाम आया है, मुंबई का नाम आया है, तो कम से कम इंडिया का रखिए याद कि इंडिया में कौन कौन सी। यहाँ पर 127 पे चेन्नई है, 127 पे मुंबई है, 131 पे बैंगलोर है, दिल्ली भी है 124 पर, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसूति गृह और ऑपरेशन कक्ष को लेकर कौन से कार्यक्रम की घोषणा की है? ए रक्षा, बी जीवन, सी लक्ष्य या फिर डी स्वास्थ्य। इसका आंसर है दोस्तों सी लक्ष्य। लक्ष्य यानी कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड, ए सेफ डिलीवरी मोबाइल ऐप है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम्स। जो लेबर रूम्स है वहां की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च की गई है, लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लॉन्च। तो इसमें क्या है, एन एम हेल्थ टूल टू सपोर्ट हेल्थ वर्कर्स मैनेजिंग डिलीवरीज, जो कि हेल्थ वर्कर है जो डिलीवरी को मैनेज करती है उनके लिए इसमें एक एम हेल्थ टूल यानी कि एक मोबाइल हेल्थ टूल है इसमें, टू इम्प्रूव ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, री इन्फोर्समेंट, मेंटरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यह कि इसकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, पोस्ट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनको मतलब ट्रेनिंग के लिए पूरी इसमें जानकारी मिलेगी साथ में, टू कवर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कवर करेगा डिस्ट्रिक्ट को, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। इसके अलावा इसमें टू प्रोवाइड सपोर्ट टू कंडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर रूम्स एंड इंसेंटिवाइज ऑफ अचीविंग टारगेट्स, यानी कि क्वालिटी के लिए भी ये एक ऐप है जहां पर आप ये, इसमें चार चीजें मैंने बताई हैं, एक एनएम हेल्थ टूल टू सपोर्ट हेल्थ वर्कर मैनेजिंग डिलीवरीज, डिलीवरी को मैनेज करने के लिए इसमें पूरी गाइडेंस है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरी गाइडेंस है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस कम्युनिटी सेंटर ये इनको कवर करेगा और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये आप एक बार नोट कर सकते हैं लक्ष्य की फुल फॉर्म अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस यानी कि जो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं और ये वर्ल्ड रिपोर्ट है, तो इसमें भारत को इंडिया का कौन सा स्थान है, ए 121, बी 133, सी 51 या फिर डी 69। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 133वां स्थान मिला है भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया ने, इंडिया को मिला 133 और टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में हिंदी सचिवालय का उद्घाटन किया है, ए मॉरिशियस, बी जापान, सी चीन या फिर डी फ्रांस। तो दोस्तों रामनाथ कोविंद यानी कि अपने राष्ट्रपति ने कहां पे, मॉरिशियस में हिंदी सचिवालय का उद्घाटन किया है, या आप उसकी एक पिक्चर देख सकते हैं जहां पर ये रामनाथ कोविंद है और यहाँ पर उन्होंने ये उद्घाटन किया है मॉरिशियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ए 15 मार्च, बी 10 मार्च, सी 12 मार्च या फिर डी 11 मार्च। तो इसका आंसर है ए 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र झा कौन थे, अभिनेता थे, लेखक थे, चित्रकार थे या फिर वैज्ञानिक थे। इसका आंसर है दोस्तों ए वो अभिनेता थे, या आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, आपने इनको कई सीरियल्स में या मूवीज में इनको आपने देखा होगा, ये एक अभिनेता थे, एक्टर थे नरेंद्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, लक्ष्मी राय, राजेश्वरी मित्तल, विद्या देवी भंडारी या फिर अंजलि शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी विद्या देवी भंडारी, या आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं जो नेपाल की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग जो बहुत ही न्यूज में रहे थे अभी, स्टीफन हॉकिंग कौन थे, वैज्ञानिक थे, गायक थे, इंजीनियर थे या फिर चित्रकार थे। दोस्तों ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्हें ब्रह्मांड का ज्ञाता कहा जाता है। 8 जनवरी 1942 को इनका जन्म हुआ था और 14 मार्च 2018 को इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पहली महिला प्रमुख कौन चुनी गई है, जोकी डेविड, एलेजन मेरी, टीनी जॉय या फिर जीना हॉस्पेल। इसका आंसर है दोस्तों डी जीना हॉस्पेल चुनी गई है, अमेरिका खुफिया एजेंसी की CIA जीना हॉस्पिटल, CIA डायरेक्टर बनी है, प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड डी ट्रंप ने इनको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान डे कब मनाया जाता है, 27 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च या फिर 31 मार्च। इसका आंसर है दोस्तों सी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी राजस्थान का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की केंद्रीय समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय दत्त,
शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र या फिर शेखर कपूर? इसका आंसर है दोस्तों डी, शेखर कपूर बने हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की केंद्रीय समिति के प्रमुख। ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने G-SAT-6A सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण लॉन्च किया है, जो कि अगले 5 वर्ष तक काम करेगा, अगले 10 वर्ष तक काम करेगा, अगले 15 वर्ष तक काम करेगा या फिर अगले 20 वर्ष तक काम करेगा? इसका आंसर है दोस्तों बी, अगले 10 वर्ष तक काम करेगा इसरो का G-SAT-6A सैटेलाइट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लागत है दोस्तों 270 करोड़। इसमें जो वजन है वो है 21.40 क्विंटल। इसकी लाइफ टाइम रहेगी 10 साल, यानी कि 10 साल तक काम करेगा और इसका इस्तेमाल होगा मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, G-SAT-6A सैटेलाइट इसरो ने जो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है? तो वह कौन से दो क्रिकेटर हैं जिन पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए आंसर है उसका स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ए मेजर सतीश दहिया, बी मेजर संजय सिंह, सी मेजर इकबाल अहमद या फिर डी मेजर सुनील चौधरी? इसका आंसर दोस्तों ए, मेजर सतीश दहिया को रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया है। या आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी फैमिली ने ये लिया है मरणोपरांत शौर्य चक्र, उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ए नरेश खुराना, बी आशीष खत उमरिया, सी मंगलनाथ मौर्य, डी जवाद रहीम। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी, जवाद रहीम को एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। या आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने फर्जी खबर छापने पर 10 साल की सजा का निर्णय लिया गया है? यानी कि अगर कोई भी मीडिया वाले फर्जी खबर कोई छापते हैं तो उस पर उनको 10 साल की सजा मिलेगी। ये निर्णय किस देश की सरकार ने लिया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी मलेशिया या फिर डी भारत? इसका आंसर है दोस्तों सी, मलेशिया की सरकार ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डाटा कंज्यूमर बना है? यानी कि सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा कहाँ कंज्यूम होता है, वो कौन सा देश है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी जापान? इसका आंसर है दोस्तों ए भारत, जियो के आने के बाद विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डाटा कंज्यूमर बन गया है इंडिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय में विश्व की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा क्रैम पुरी, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, मेघालय में है विश्व की सबसे लंबी रेतीली पत्थर की गुफा है क्रैम पुरी, वो खोजी गई है। तो इसकी लंबाई क्या है? 24,583 मीटर, 24,889 मीटर, 16,553 मीटर या फिर 19,897 मीटर? इसका आंसर है दोस्तों ए, 24,583 मीटर। ये गुफा की आप पिक्चर देख सकते हैं, क्रैम पुरी, इसका आप नाम याद रखिएगा क्रैम पुरी, यह जो कि सबसे लंबी रेतीली पत्थर की गुफा बन गई है और ये कहाँ है? मेघालय में, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के अबेल पुरस्कार के विजेता किस गणितज्ञ को बनाया गया है? तो जो ये अबेल पुरस्कार है ये मैथमेटिशियन को मिलता है, गणितज्ञ को मिलता है। तो अब की बार किनको मिला है? एंड्रू विल्स, यवेश मेयर, रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स या फिर रिचर्ड थेलर? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को ये पुरस्कार मिला है। तो गणितज्ञ रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स, या उनकी पिक्चर देख सकते हैं, इनको ये मिला है 2018 का एबल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? एम एल शर्मा, देवेंद्र चौधरी, नरेश अग्रवाल या फिर जे एस राजपूत? इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी, जे एस राजपूत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए राशिद खान अफगानिस्तान, बी इमरान खान ताहिर दक्षिण अफ्रीका से, सी नोथन लियोन ऑस्ट्रेलिया से या फिर मिचेल सेडनर न्यूजीलैंड से? इसका आंसर है दोस्तों ए, राशिद खान अफगानिस्तान तेज 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी ओडिशा? तो दोस्तों वो खिताब जीता है पंजाब ने, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? मार्सिडिस अराज फर्नांडिस, शरीफ इस्माइल, मार्टिन बुजकारा, पेड्रो पाब्लो कुंजस्की?
तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी, मार्टिन विजकारा। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में डेब्यू लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बना है? ईशान किशन भारत से, मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से, कामिंडू मेंडिस श्रीलंका से, या फिर एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका से? इसका आंसर है दोस्तों डी, बी, मुजीब और रहमान अफगानिस्तान से। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2018 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1950 से, 1960 से, 1970 से, या फिर 1980 से? इसका आंसर है दोस्तों ए, 1950 से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, 7 अप्रैल 2018 को ये मनाया गया। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली हर व्यक्ति और हर जगह, ये इसका लोगो था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए चौथा, बी पांचवा, सी दूसरा, या फिर डी पहला? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, दूसरा स्थान मिला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना है भारत, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियेरा लियोन के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ए समूरा कामरा, बी जूलियस माडा बियो, सी अर्नेस्ट बाई कोरोमो, या फिर डी नोमुरा बियो? इसका आंसर है दोस्तों बी, जूलियस माडा बियो। आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा किसे दिया गया है? ए हिंदू कॉलेज, बी बिशोप हेबर, सी मिरांडा हाउस, डी लोयला कॉलेज? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, मिरांडा हाउस को मिला है। यहाँ पर आप इनकी इंडिया रैंकिंग 2018 देख सकते हैं जो NIRF जारी करता है। तो ए एक नंबर पर मिला है मिरांडा हाउस को, दूसरे नंबर पर रहा है सेंट स्टीफन कॉलेज, सी पे बिशोप होबर कॉलेज, डी पे हिंदू कॉलेज, फिफ्थ पे पेरिजेंसी कॉलेज। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों स्थान जो मिला है वो है डी 130वां। यहाँ पर आप रैंक देख सकते हैं, 130वां स्थान हुआ है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका सी, भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो यानी कि बीबी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो से आप याद रख सकते हैं, बी भानु प्रताप शर्मा को चुना गया है चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा आंसर, डी श्रीदेवी को मिला है माँ मोम फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें चुना गया है? विराट कोहली, मुरली विजय, शिखर धवन, या फिर महेंद्र सिंह धोनी? इसका आंसर है दोस्तों ए, विराट कोहली। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपको बताना है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, या फिर भारत? इसका आंसर है दोस्तों ए, बांग्लादेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, दिल्ली ने मिशन बुनियाद की शुरुआत की है बच्चों की पढ़ाई हेतु। ये आप देख सकते हैं मिशन बुनियाद ज्वाइंट कैंपेन है बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किन किन का ज्वाइंट है? दिल्ली गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बेसलाइन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू चेक रीडिंग एबिलिटी एंड मैथ स्किल्स। क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन मिशन मोड बिटवीन मे एंड जून में। ये क्रिएटिव कैंप होंगे जिसके अंदर मिशन बुनियाद के अगर जो है क्लास होंगी रीडिंग एबिलिटी की और मैथ्स की। गवर्नमेंट टू ट्रेन मेंटर टीचर्स फॉर प्राइमरी स्कूल अक्रॉस दिल्ली। पूरी दिल्ली में प्राइमरी टीचर्स के जो स्टूडेंट है उनको ट्रेन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर अपील्स टू पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 to 8 यानी कि क्लास 3 से 8 के लिए बच्चों के लिए है ये, टू सेंड देयर वार्ड्स टू क्रिएटिव कैंप्स इफ द चाइल्ड्स असेसमेंट रिजल्ट्स आर पुअर। अगर बच्चे की जो असेसमेंट रिजल्ट पुअर है तो 3 से लेकर 8 तक के उनके बच्चों के लिए है ये, ताकि वो मिशन बुनियाद में उनके असेसमेंट रिपोर्ट्स को सुधार सके। उसके साथ साथ इसमें टीचरों को भी ट्रेन किया जाएगा और मई और जून में ये रन होगा और स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी और मैथ स्किल के लिए चेक करने के लिए। और एक ज्वाइंट कॉर्पोरेशन है दिल्ली गवर्नमेंट एंड मुरली कॉर्पोरेशन का, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत की पहली 5G यानी कि जैसे इंटरनेट के माने 2G 3G 4G है, अब 5G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर है दोस्तों डी, IIT दिल्ली में स्थापित की गई है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफॉर्म फॉर एशिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हा चुना गया है? इसका आंसर है दोस्तों सी, बान की मून को चुना गया, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार सिख समुदाय महिलाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किए गए हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान ने अब की बार सिख समुदाय महिलाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किए हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 139.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आप उनका आंसर है दोस्तों सी, बांग्लादेश ने, भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 139.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइंस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन का शुभारंभ किया गया है, उसकी क्षमता क्या है? तो दोस्तों उसकी क्षमता है टी, 12,000 हॉर्स पावर, बिहार में बना है देश का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन, शक्ति रहेगी इसकी 12,000 हॉर्स पावर। रेलवे के पास अभी सबसे ज्यादा क्षमता वाला था जो वो था 6,000 का हॉर्स पावर का इंजन, क्षमता है 9,000 टन तक, इसमें माल रख सकते हैं आप, माल खींचने में ये सक्षम है। रफ्तार रहेगी इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी जो हमारे पास था वो था 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आप कुछ डिटेल से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी लागू की है? तो दोस्तों हरियाणा ने वाटर एटीएम पॉलिसी लागू की है, ये आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास गगन शक्ति 2018 कितने दिनों तक चलेगा? ये चलेगा दोस्तों 15 दिनों तक। पाक और चीन की सीमाओं पर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये चलेगा 10 से 23 अप्रैल के बीच, गगन शक्ति युद्ध अभ्यास 10 से 23 अप्रैल के बीच रहा ये। 1100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे इसमें शामिल और प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान को इस बारे में अवगत कराया गया था। 300 से ज्यादा अधिकारी थे और 1500 से ज्यादा एयरमैन को इसमें रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सी, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड अवेयरनेस डे, ऑटिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन उत्पादक के मामले में दुनिया भर में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को मोबाइल उत्पादक के मामले में दूसरा स्थान मिला है, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश, यानी कि दूसरा, सेकंड। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है? तो ये ट्रॉफी रही अब की बार केरल के नाम पर, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है इंडिया पोस्ट, इंडियन पोस्ट ने भी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बन गया है। किस राज्य की सरकार ने कमजोर परिवार की युवतियों हेतु रूपश्री योजना का आरंभ किया है? तो दोस्तों ये शुरू की है पश्चिमी बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने रूपश्री स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के एक नए अंग की खोज की है, दोस्तों उसका नाम है इंटरस्टीशियम, ये सिर्फ स्किन में नहीं बल्कि आंत, फेफड़े, रक्त नलिका और मांसपेशियों के नीचे भी मिलते हैं और ये काफी लचीले होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मोटी लेयर होती है और वैज्ञानिकों के हिसाब से इंटरस्टीशियम शरीर के टिश्यूज के बचाव का काम करते हैं। तो ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस नए अंग की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आंसर है बी, पवन चामलिंग सिक्किम के जो हैं वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित किया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार रहा है आपकी बार राहुल द्रविड़ के नाम पर। अगला क्वेश्चन, 27वें सरस्वती सम्मान हेतु कौन चुने गए हैं? तो सरस्वती सम्मान हेतु जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं सितांशु यशचंद्र, ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, गुजराती राइटर हैं ये जो सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सही सुनता के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को जो स्थान मिला है वो है चौथा, फोर्थ रैंक रहा है, पहला रहा है कनाडा, दूसरा चाइना, थर्ड मलेशिया और चौथा रहा है भारत के नाम पर। 63% भारतीय मानते हैं कि अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और विचारों के प्रति यहाँ के लोग बहुत ही सही सुन है। 27 देशों में 20,000 लोगों से की गई थी बातचीत और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो दोस्तों ये मिला है 138वां स्थान, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वुमन लीडरशिप अवार्ड 2018 है तो किसे चुना गया है? ए थेरेसा मे, बी हिलेरी क्लिंटन, सी शेख हसीना, या फिर डी एंजेला मर्केल। इसका आंसर है दोस्तों शेख हसीना को चुना गया है ग्लोबल वुमन लीडरशिप अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेश से पैसा भेजने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वो रहा है बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 का आरंभ किया है? वो देश आपको यहाँ पर बताना है। तो मलेशिया के साथ भारत ने मिलकर सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 का आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो रहा है डी एस जयशंकर को, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये रहा है दोस्तों ग्वाटेमाला के साथ भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो भी ये समझौते होते हैं इनको भी आप याद रखने की कोशिश की, इनसे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। तो ये आप उनकी मीटिंग देख सकते हैं भारत और ग्वाटेमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो स्थान मिला है वो है 11वां FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो नए कोच बने हैं वो है जस्टिन लैंगर, ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मिला है 5वां स्थान। हथियारों की खरीदारी में भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। IHS जैन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में रक्षा बजट खर्च के मामले में भारत ने इस साल में 5 शीर्ष देशों में अपनी जगह बनाई है। तो हम कौन से नंबर पर रहे हैं अभी? 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर। भारत ने इस साल रक्षा बजट के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? 50.67 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं, जो सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 3 सालों में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा खर्च करेगा, जो हथियार निर्माताओं के लिए बड़ा बाजार साबित होगा। और साल 2016 में जो दुनिया के कुल रक्षा बजट में करीब 1.57 लाख करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और हथियारों पर सबसे ज्यादा बजट खर्च करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम, और 5वें पे कौन है? इंडिया। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 3 मई को, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर एकता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए। 1 मई 1886 को 3 लाख मजदूर अमेरिके की सड़कों पर उतर आए थे और वो काम के लंबे घंटे और खराब हालत का विरोध कर रहे थे, तभी से ये मनाया जाता है मई दिवस, यानी कि इसको लेबर डे भी बोलते हैं और मई डे भी बोलते हैं। और यूरोप में 1 मई का दिन ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण पगन त्योहारों से जुड़ा हुआ है। और जो एक ये ट्रेड यूनियन लीडर है, इनका क्या कहना है? मजदूर हर समाज का आधार होता है, मानवता की रची कोई भी चीज दिखा दीजिए जिसमें मजदूरों की मेहनत ना हो और मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा जिसमें बिना ये समाज आराम से चल सकता है। भारत में कुल 16,154 ट्रेड यूनियन है जिनकी संयुक्त सदस्यता करीब 91.8 लाख है 2012 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती दोस्तों जहां पर मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो दोस्तों वो शहर कौन सा है? सी कानपुर, ये आप यहाँ पर रैंक देख सकते हैं। दिल्ली में भी बैड एयर के कारण ये बुरी हालत है। 6th नंबर पर दिल्ली है, 1st नंबर पर कानपुर है, 2nd नंबर पर फरीदाबाद है, 3rd नंबर पर वाराणसी है, 4th नंबर पर गया है, 5वें नंबर पर पटना और 6ठे नंबर पर दिल्ली है। गुड़गांव जो है वो 11वें नंबर पर है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने की सहमति जताई है? तो दोस्तों वो आंसर रहेगा डी चीन के साथ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकवि बैरागी कौन थे? तो दोस्तों वो थे एक साहित्यकार, ये आप उनके पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो स्थान प्राप्त हुआ है ए 6ठा स्थान। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आशावादी सूचकांक कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं पनामा के साथ, ये यहाँ पर आप मीटिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2018 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, तो इसकी शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1995, 1998, 1990 या फिर 1997? तो दोस्तों ये शुरुआत था 1998 से, 11th में यानी कि 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी आप इसको बोल सकते हैं। एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन AMS, एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत अब की बार एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये 15th यानी कि 15वां एशिया मीडिया समिट होगा जो 10 से 12 मई तक चला था, न्यू दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति दुनिया के सबसे उम्र दराज यानी कि 92 साल के जो के प्रधानमंत्री बने हैं, वो उनका नाम है महाथिर मोहम्मद। महाथिर मोहम्मद है वो 92 साल की उम्र में विश्व के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तकनीकी पढ़ाई कर रहे युवाओं हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम है दोस्तों बी डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप, या पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिजिटल इंडिया बेटर। हम डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक इंटर्नशिप लेके आए हैं ताकि वो भी लोग डिजिटल इंडिया को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। किस देश ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है? ये टॉपिक भी काफी दिनों तक चर्चा में रहा था, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। ईरान परमाणु समझौते पर जो है अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वो रहा चौथा स्थान मिला है। टॉप 25th पावरफुल कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक रीजन में, वो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, और इंडिया को मिला है दोस्तों 4th प्लेस। फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, बी पे है चाइना, थर्ड पे है जापान और फोर्थ पे है अपनी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों ये आंसर रहेगा इसका बी, शी जिनपिंग सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हैं फोर्ब्स 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलमार्ट ने किस भारतीय कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? ये इसका आंसर है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ मिल गई है, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है बी यानी डी 22 मई को, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन न्यूयॉर्क पुलिस की पहली सिख महिला बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुरसोच कौर, ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क पुलिस की पहली सिख महिला अधिकारी बनी है। किस देश में दुनिया का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया गया है? यह आंसर है रूस, बी रूस ने पानी पर तैरता हुआ पहला परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आप पॉज करके देख सकते हैं, इसमें परमाणु ऊर्जा, FPU, प्रेरक शक्ति, ये सब चीजें आपको दिखाई गई है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने छात्र परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरियाणा ने छात्र परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार दुर्गा शक्ति वाहिनी विशेष फोर्स भी बोल सकते हैं छात्रों की सुरक्षा के लिए है ये यहाँ पर, और छात्र परिवहन सुरक्षा योजना छात्राओं को गाँव से स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी के मामले में दुनिया भर में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों हमें मिला है 6ठा स्थान। कौन व्यक्ति ललित कला अकादमी का अध्यक्ष रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों जो चुने गए वो है उत्तम पचारने, ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो मुख्यमंत्री वो बने हैं वो है BS येदियुरप्पा, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको शपथ लेते हुए। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर होगा? तो ये होगा दोस्तों 2028 तक दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर दिल्ली। विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए ताजा सर्वे के मुताबिक भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? तो ये शहर है दोस्तों इंदौर, ए फर्स्ट नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद थर्ड पे है विशाखापट्टनम, चार पे सूरत, पांच पे मैसूर, छह पे तिरुचिरापल्ली, सातवें नंबर पर है नई दिल्ली, आठवें नंबर पर नई मुंबई, नौ पे तिरुपति और दस पे क्या है वडोदरा यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई है आपको यहाँ पर बताना है। इस दिवस की शुरुआत हुई है 1987 से। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आंध्र प्रदेश में नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा भी की गई है, तो उसमें राजकीय वर्ष किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया नीम को दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल है उनका ब्लैक बग, बर्ड इंडिया इंडियन रोलर, फ्लावर है वाटर लिली, फ्रूट है मैंगो और ट्री किसे बनाया गया है नीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्री ने बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है दोस्तों सी प्राप्ति। प्राप्ति एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ये आप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है प्राप्ति ऐप। ऐप एंड वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट टू जनरेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको ऐप को और एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। टू हेल्प द स्टेक होल्डर्स इन गेटिंग मंथ वाइज एंड लेगेसी डाटा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ DICOMs अगेंस्ट पावर परचेज और विल अलाउ यूजर्स एक्सेस पेमेंट मेड बाय डिस्कॉम्स टू पावर जनरेटर कंपनी। ये आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया पंकज सरन को। ये पिक्चर आप उनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 2003 से। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ये 29 मई को। आरबीआई का प्रथम सीएफओ किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है सुधा बालन कृष्णन। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। आरबीआई की फर्स्ट एवर सीएफओ बनी है सुधा बालन कृष्णन। ये टॉप 7 इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया में आती हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो मौका मिला है नासिर उल मुल्क को। इनको ये बड़ी जिम्मेदारी नासिर उल मुल्क को मिली है। किस देश में जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, तो वो हटा दिया गया है आयरलैंड से। क्या पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है, तो वो देश है कोलंबिया। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस स्थान पर पहला वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया हैम्बर्ग जर्मनी में। ये चलेगा दोस्तों 25 से लेकर 28 सितंबर तक, हैम्बर्ग यानी कि जर्मनी में चलेगा ग्लोबल विंड समिट। नेक्स्ट, भारत ने चीन में अपना दूसरा कॉरिडोर आईडी कॉरिडोर आरंभ किया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों सिडकॉप। चाइना ने ये शुरू किया है, भारत और चीन के साथ ये इंडिया का दूसरा आईपी कॉरिडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने आईपीएल 2018 का खिताब जीता है, वो जीता है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने आईपीएल 2018 का खिताब जीता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है, तो ये आप याद रखिए, ये है पटना जंक्शन। नेक्स्ट, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किन्हें मिला है, वो मिला है दोस्तों ओल्गा टोकरक क्रूज। ये आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर, इनको मिला है ये इनकी बुक है फ्लाइट्स, इसके लिए ये मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी सेवा में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 145वां। ये आप देख सकते हैं द लैंसेट रिपोर्ट निकलती है ये, जो स्वास्थ्य सेवाओं में भारत को 145वां स्थान मिला है। डिविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है, तो वो संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। बी एस येदुरप्पा के बाद में कौन व्यक्ति किस व्यक्ति ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद किस पद की घोषणा की है, तो दोस्तों बने हैं एच डी कुमार स्वामी। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु कितने वन स्टॉप सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई, दोस्तों दी गई है 100 को। वन स्टॉप सेंटर ये आप देख सकते हैं, वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी है, ये छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये वन स्टॉप सेंटर रायपुर का दिखाया गया है, ये 100 की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू की गई है, जो पहली माइक्रो फैक्ट्री शुरू की गई है दोस्तों वो शुरू की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये आप देख सकते हैं माइक्रो पार्ट से जो फैक्ट्री चलाई जाएगी, इन सब इलेक्ट्रॉनिक सामान से ये फैक्ट्री बनेगी। सेना में
महिलाओं को किस प्रकार की भूमिका को छोड़कर अन्य भूमिका में स्थायी कमीशन दिया जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों लड़ाकू भूमिका छोड़ के बाकी सभी में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कौन से कार्यकाल के लिए हाल ही में पदभार संभाला गया? तो वो है चौथे, ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? वो किया गया है संबित पात्रा, ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी गए नए निर्देशों के अनुसार डिब्बाबंद उत्पादों में कुल एनर्जी की तुलना में ट्रांस फैट एंड सोडियम की एनर्जी की मात्रा 10% से अधिक होने पर उसे किस रंग से दर्शाया जाएगा? तो वो दर्शाया जाएगा दोस्तों लाल रंग से। आप इस तरीके का निशान उस पैकेट पर देखेंगे। भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने का समझौता किया है? ग्वाटेमाला। भारत ने लिबरेशन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग ग्राम पे प्रतियोगिता में कितने रजत पदक जीते हैं? तो दोस्तों वो जीते हैं दो, किसने? नारंग और घाटकर ने। आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने भारत और किस देश के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि DTAA को अधिसूचित कर दिया गया? तो वो है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 मिलियन डॉलर। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन NMA की शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कोलंबो में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में निम्न में से कौन सा देश स्थान पर रहा? तो वो रहा दोस्तों भारत। किस देश में शोधकर्ताओं ने पोर्टेबल 3D स्क्रीन प्रिंटर बनाया है जो कि स्किन टिश्यूज यानी कि उत्तक बनाकर गहरे घाव भर सकता है? दोस्तों वो बनाया है कनाडा ने। ये यहाँ पर उसकी पिक्चर दिखाई गई है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी दिखाई गई है। आप वीडियो को पॉज करके या स्नैपशॉट लेके इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे ये डिजाइन है और कैसे ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा विमान शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है डकोटा DC-3 VP-905। इसकी क्या खास बात है वो हम देखते हैं। ये 21 से 32 यात्रियों की क्षमता रखता है, 16.11 फीट ऊंचाई इसकी, 64.8 फीट लंबाई है इसकी, 7,650 किलोग्राम वजन है इसका, 95.2 फीट पंख की चौड़ाई है, 3,736 लीटर इंजन क्षमता है इसकी, 1100 हॉर्स पावर एयर कूल्ड रेडियल पिस्टन इंजन है इसका, 370 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति थी और 333 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सामान्य गति है। ये डकोटा की कुछ विशेषताएं हैं। इस डकोटा को अब एक नए नाम से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, वो नाम क्या है? परशुराम। तो यह परशुराम के नाम से शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। मार्शल अर्जन सिंह स्मारक अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट कहाँ होगा? चंडीगढ़ में, 7 मई से 12 मई तक 2018 तक 16 टीमों के बीच में यह हुआ। नेक्स्ट, स्वीडिश अकादमी ने फैसला किया है कि इस वर्ष नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में घोषित नहीं किया जाएगा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, साहित्य में अब की बार नहीं दिया गया है पुरस्कार, नहीं दिया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई है श्रीलंका में। किस शहर में खेल पहल यानी कि स्टार खेल महाकुंभ की शुरू की गई है? ये शुरू किया गया दोस्तों धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतिहास पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए समिति बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है पंजाब ने, यहाँ पर आप पिक्चर उनकी देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब के लिए समीक्षा की समिति बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार आयोजित किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में विजय प्रहार सैन्य अभ्यास यानी कि पोखरण से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसमें सैन्य अभ्यास विजय प्रहार आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश हवाई यात्री यातायात के लिए सबसे तेजी से उभरने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वो बन गया है दोस्तों भारत, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्थानीय आदिवासियों को लेकर बनाएगी CRPF की बटालियन का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों बस्तरिया।
बस्तरिया, लाल आतंक के खिलाफ बस्तरिया बटालियन तैयार है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में अनुसंधान के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ये क्या है दोस्तों? चीन ने, यानी कि चाइना ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की पहली महिला पगड़ीधारी सिख अधिकारी के रूप में किए गए? जो ये है दोस्तों गुरसोच कौर, ये पिक्चर आप पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो स्थान मिला है यह है सी, छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देश किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रूस ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई 2018 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस के किस शहर में अनौपचारिक मुलाकात की है? तो दोस्तों ये की है सोची में, ये आप देख सकते हैं सोची में अनौपचारिक थी शिखर मीटिंग। नेक्स्ट, समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने वाली भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारियों वाली पहली नौकायान तारिणी, जिसका नाम था, उसने कितने देशों की परिक्रमा पार करके स्वदेश लौट गई, यानी कि अपने देश लौट गई इंडिया? 5, इसका आंसर 5 कंट्री उन्होंने पार की है, भारतीय महिलाओं ने संभाली INSV तारिणी की कमान। नेक्स्ट, बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी कितनी बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं? तो इन्होंने जीता है 205 बार, ये आप पिक्चर देख सकते हैं गोल्डन शू कब कब उन्होंने जीता है। 2009 से 10 में इन्होंने जीता 34 गोल करके, 2011 से 12 में 50 गोल करके, 2012 से 13 में 46 गोल करके, 2016 से 17 में 37 गोल करके और 2017 से 18 में 34 गोल करके। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस नेता को मलेशिया में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर वे अल्पसंख्यक सिख समुदाय के पहले शख्स बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों गोविंद सिंह देव, ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है? ये आंसर है दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट, ICRA यानी कि इकरा द्वारा जारी रिपोर्टों के अकॉर्डिंग देश की GDP 2017 से 18 की चौथी तिमाही में कितने पर पहुंचने की उम्मीद है? इसका आंसर रहेगा दोस्तों 7.4%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता पर कराए गए सर्वेक्षण में भारत 145वें स्थान पर रहा है? तो किस एजेंसी ने करवाई है? ये करवाई है दी लॉन्सेट ने करवाई है, ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं दी लॉन्सेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या था? ओल्गा टोकरसुक, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पिक्चर फ्लाइट के रिलेटेड। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा यह कहा गया कि GST के कारण भारत की विकास दर धीमी है? ये स्टेटमेंट दिए दोस्तों विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने GDP ग्रोथ को लेकर, कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शंस जो रिलीज किए उन्होंने, ये उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि GDP यानी कि GST के कारण भारत की विकास दर धीमी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं GDP जैसे 2010-11 में 10.2 और अब कितनी है 7.9। नेक्स्ट, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने विराट कोहली, साइना नेहवाल और ऋतिक रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया था? तो ये वीडियो भी काफी पॉपुलर रही थी, जिसमें कि पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये दिया था, आप यहाँ पर उनके पिक्चर देख सकते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर है और इस टाइप की एक वीडियो वायरल हुई थी जिनमें इनको एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया था, ये फिटनेस चैलेंज उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, इसराइल और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते किए हैं जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के इतिहास की किताबों में सुधार कर सकेंगे? तो ये किए हैं नेपाल, एक दूसरे के देशों की शुरुआत किताबों में सुधार करेंगे इसराइल और म्यांमार, सॉरी म्यांमार ने किया है, तो इसराइल और म्यांमार ने समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय वेटलिफ्टर के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ ने उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया है? उसका आंसर रहेगा दोस्तों संचिता चानू, ये आप पिक्चर देख सकते हैं वेटलिफ्टिंग में है, ये 53 kg इन्होंने मेडल जीता था, इनको डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा 31 मई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि पर बढ़कर कितने प्रतिशत रही, जो नवंबर 2016 में हुई नोटबंदियों के बाद सर्वाधिक थी? तो ये रही दोस्तों 7.7%। इंडिया ग्रोथ गैदर्स न्यू मोमेंटम। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने किस मानव अंग को 3D प्रिंट के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर है दोस्तों
ए कॉर्निया। कॉर्निया का एक 3D प्रिंट जारी होगा कि यूके साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली 3D प्रिंट कॉर्निया ऑफ ए ह्यूमन आई। यूके के साइंटिस्ट ने खोजा है कि कॉर्निया की एक 3D प्रिंटिंग जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और नेपाल के सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के लिए किस नाम से उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये इसका नाम है दोस्तों सूर्य किरण, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों बी, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, यूएस मिलिट्री ने जोड़ा अपने साथ भारत का नाम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को कार्यालय खर्च के लिए प्रति वर्ष कितने लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए, 1 लाख रुपए। तो कार्यकाल खर्च के लिए पूर्व राष्ट्रपति को मिलेगा 1 लाख, उपराष्ट्रपति को मिलेगा 90,000, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन 4 महीने पहले जो थे वो बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख रुपया और 4 लाख रुपया प्रतिमाह कर दिया गया था। तो ऐसे नोटिफिकेशन उस टाइम आई थी। तो कितना मिलेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच 2003 में हुई सीज फायर समझौते को पूरी तरह लागू करने पर सहमति बन गई है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, विश्व बैंक। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक एंड राजस्थान की पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया था? इसका आंसर है दोस्तों डी, कोलंबिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान करने की अनूठी योजना पर काम कर रही है? इसका आंसर है दोस्तों ए, तेलंगाना। नेक्स्ट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास हेतु कौन सी योजना आरंभ की है? इसका आंसर दोस्तों शिक्षा का महत्व, बी। नेक्स्ट, किस टीम ने वर्ष 2018 का थॉमस का बैडमिंटन खिताब जीता है? ये जीता है चीन ने। फिल्म पाकीजा से मशहूर हुई निम्न में से किस दिग्गज अभिनेत्री का मुंबई में निधन हो गया है? तो पाकीजा मूवी में थी गीता कपूर, ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, इस रूप में थी जब वो पाकीजा मूवी उन्होंने की थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस देश में ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? ये किया गया दोस्तों जर्मनी में, विंड एनर्जी हम्बर्ग यानी कि जर्मनी में, विंड ग्लोबल विंड समिट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आदर्श गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष। नेक्स्ट, यूपी प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा करने वाले कौन सा राज्य बन गया है? तो जो यूपी ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वो बन गया भी 19वां स्टेट। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष हेतु किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है दोस्तों एल नरसिम्हा रेड्डी को। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डोपिंग टेस्ट अनिवार्य किया है? तो वो किया है पंजाब ने, यानी कि पंजाब में सरकारी अफसरों को भी डोप टेस्ट देना होगा। किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में खुशी पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली ने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगले सप्ताह से खुशी पाठ्यक्रम होगा शुरू। तो खुशी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों हेतु अन्नपूर्णा योजना आरम्भ की है? ये दोस्तों की है राजस्थान ने, सेहत का ग्लास हर बच्चे के हाथ। तो ये सभी सरकारी स्कूलों में मदरसों में लगभग 62 लाख से ज्यादा बच्चों को इससे लाभ मिलेगा, अन्नपूर्णा दूध योजना ये शुरू की है राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र कन्या पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष हेतु किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जोस एलडीओ को, ये आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने 12वीं पास लड़के को 10,000 की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? ये दोस्तों की है बिहार ने, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना किस राज्य में लागू की गई है? ये लागू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, इसमें क्या होगा कि सरकार करेगी 50 करोड़ लोगों का बीमा, हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा, निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में बिना कैश के इलाज हो सकेगा, और दवाई और जांच जो है वो मुफ्त रहेंगे। नेक्स्ट है, एनपी की समस्या से निपटने हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी, सशक्त योजना। आर्थिक घटना चक्र का एनपीए का जो हाल है वो क्या निकला है, सशक्त योजना। नेक्स्ट,
100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों शोएब मलिक। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक आयुक्त किया गया है? इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी दीदार सिंह गिल, या उनके पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी हिमा दास, सॉरी ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्लेयर आएगा, भारतीय भारतीय खिलाड़ी या भारतीय प्लेयर कौन है? हिमा दास है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट में। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने ड्रग संबंधी अपराधों हेतु मृत्युदंड की योजना की है, ये चलाई है? ए श्रीलंका ने, सजाए मौत मिलेगी अगर आप ड्रग संबंधी अपराधों में पकड़े गए तो। विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA के प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों TCA राघवन को, उनकी पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए शुरू वो की है? BSNL ने। न्यू ईयर के जो ने आइडिया पर प्रोडक्ट्स दिए थे विंग्स, BSNL ने 4 NGN और वेस सर्विस पैन इंडिया में लॉन्च की थी, IP सेंट्रिक सर्विसेज, प्रीपेड सर्विसेज, फिक्स मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज और मल्टीमीडिया वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मिला है सी 6 स्थान, फ्रांस को भी पीछे छोड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है भारत। नेक्स्ट, भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का कौन सा शेयर धारक है? तो दोस्तों वो है 69वां। किस राज्य की सरकार ने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये दिया है गुजरात ने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 57वां स्थान। तो आप ये देख सकते हैं 2015 में था 81, 2016 में 66, 2017 में 60, 2018 में 57। तो ये हमारा हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट मिला है स्विट्जरलैंड को, सेकेंड नीदरलैंड, थर्ड स्वीडन, फोर्थ UK, फिफ्थ सिंगापुर, सिक्स USA, सेवन्थ फिनलैंड, एट डेनमार्क, नाइन जर्मनी एंड टेंथ आयरलैंड। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रिक्स नेशन की है और ये इंडिया का है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी आप सबको पता है 11 जुलाई को मनाते हैं हम। अगर हम बढ़ती आबादी को न्यायसंगत तरीके और नरम रवैये से नहीं रोक पाते हैं तो खुद प्रकृति पूरी निर्दयता के साथ हमारे लिए कुछ ऐसा करेगी जो एक दिन दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये कहा था डॉक्टर हेनरी डब्ल्यू कैंडल ने, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इसका असर आप देख भी सकते हैं दोस्तों। हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, हम नेचर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, और उसी तरीके से नेचर हमारा अपना अलग ही रूप दिखा रही है। आप केरल में फ्लड देख सकते हैं, वहां पर बाढ़ आ गई है। नागालैंड में आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं, जितनी नॉर्मल बारिश हो रही थी उससे ज्यादा बारिश हो रही है। तो प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हम टाइम रहते नहीं संभले, अगर हमने प्रकृति के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करते रहे, तो प्रकृति भी अपना उसी तरीके से रूप दिखाती रहेगी। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने थर्माकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने, जो थर्माकोल के बर्तन जो ऐसे बर्तन आते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट, यूपी में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता फैक्ट्री आरंभ की गई है, वह कौन सी है? दोस्तों वो है ए सैमसंग, यूपी में ये लॉन्च की गई है। 70,000 एम्प्लॉइज में ट्वाइस दी प्रोडक्शन को हम यहाँ पर दुगना करेंगे। इसकी एक्सपेंशन कॉस्ट आई है दोस्तों 4,915 करोड़। ये है लोकेशन इसकी, कहाँ रहेगी? सेक्टर 81 नोएडा में, 35 एकड़ में ये है। ऑपरेशन 1995 से, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन भी करेगी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? 50 लाख फोन बनते हैं एक महीने में, और एक्सपेंशन के बाद 1.2 करोड़ फोन बनेंगे 1 मंथ में। यू कैन इमेजिन, पूरा डबल हो जाएगी, 50 लाख से सीधा हम एक मतलब 1.2 करोड़ बनाएंगे। वर्कफोर्स इसमें कितनी रहेगी? 70,000। नेक्स्ट, जिमनास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है ए दीपा कर्माकर, आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकती हैं, जिमनास्टिक की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? ये है फखर जमान, ये आप उनके पिक्चर देख सकते हैं।
नेक्स्ट प्रसिद्ध व्यक्ति गोपाल दास नीरज कौन थे? तो वो थे दोस्तों एक गीतकार। आप उनकी एक अच्छी सी पोएम यहाँ पर है, वो गीत जो भी आप इनको कहना चाहें। कफन बड़ा तो किस लिए, नजर तू डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी तो बात है, किसी की आंख खुल गई और किसी को नींद आ गई। तो ये एक पंक्ति है गोपाल दास नीरज की, जो 4 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था, 19 जुलाई 2018 को ये हमारे साथ नहीं रहे। तो आप इनकी पंक्तियां थोड़ी सी हैं, लेकिन बहुत ही मतलब एक गहरा मीनिंग इन लाइनों में छुपा हुआ है, अगर आप इनको ध्यान से पढ़े तो। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन में 68 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये शामिल हुआ है पाकिस्तान, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। नेक्स्ट, पौधागिरी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है हरियाणा में, पौधागिरी अभियान। यहाँ पर आप हरियाणा के सीएम को देख सकते हैं, मोहनलाल खट्टर, ये हैं सीएम हरियाणा के। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2018 फ्रांस को बना है, फ्रांस बना है 2018 का चैंपियन। नेक्स्ट, विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशियाई प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो बना गया है भारत को। नेक्स्ट, संगीत कलानिधि पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अरुणा साई राम, ये आप इनके पिक्चर देख सकते हैं, ये एक संगीत कलानिधि पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? वो है सौरभ वर्मा। चोट और असहनीय दर्द को झेलने के बावजूद भी इन्होंने रूस में अपना ओपन बैडमिंटन का खिताब जितवाया है इन्होंने। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इनका ये की नारा है कि जीनो दो हमें, क्योंकि इतना जो है आप देख सकते हैं शिकार भी करने जाते हैं लोग बाघ का, टाइगर्स का, तो ये दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। वैसे ही है, इनकी पॉपुलेशन कम है ये, और दिन पर दिन कम होते जा रही है। इनका एक नींद आ रहा है, जीने दो हमें, हमें जितना होने चाहिए पशु पक्षियों सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको बचाना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई 2018 को ये मनाया गया है। इन्होंने एक लॉन्च किया है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो ऑपरेट करेगा अंडर विच द एक्सपेंसिव एंटीवायरल ऑफ हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो आपका एंटी वायरल है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, सी इन्फेक्शन के लिए वो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट, किन दो भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार चुना गया है? तो वो मिला है दोस्तों TS कृष्णा और बेसवाड़ा विल्सन को, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ग्रीन महानदी मिशन शुरू हुआ है दोस्तों ओडिशा में, मिशन ग्रीन महानदी नर्चरिंग द लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा फॉर द फ्यूचर। तो 2 करोड़ ट्रीज टू बी प्लांटेड अलोंग महानदी रिवर इन 2018 and 2019। 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे महानदी के अराउंड 2018 से 2019 में। प्लांटेशन विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द बैंक ऑन द बोथ साइड, जो प्लांटेशन होगी, जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो 1 किलोमीटर की रेडियस में लगाए जाएंगे दोनों किनारों पर। जो प्लांटेशन ओवर 75,760 गवर्नमेंट लैंड, 47,470 प्राइवेट लैंड पे लगाए जाएंगे। मैंगो जैक फ्रूट एंड जामन ट्री लगाए जाएंगे। सिमिलर प्लांटेशन होगा अलोंग विद IBN तेल रिवर पे। तो जो ऑल मेजर रिवर है वो बेसिकली इसमें कवर की जाएंगी। ये आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, आप फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना किस राज्य ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है दिल्ली ने, ये आप देख सकते हैं। ये सोलर योजना के तहत किसानों को कैसे फायदा मिलता है। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो दोस्तों ये मनाई गई है 19वीं कारगिल विजय दिवस की। आसमां पर घर बनाऊं मेरा मकसद नहीं, मेरे वतन की जमीन ही मेरी जन्नत है, ये एक लाइंस लिखे गए हैं सोल्जर्स के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये क्या है, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला में। डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ये किया है सी बिहार ने। डीजल अनुदान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ था ये बेसिकली। नेक्स्ट, खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु प्राधिकरण ने कितने युवाओं का चयन किया? ये किया है 734 का।
ये देख सकते हैं आप, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, इसलिए बिल्डिंग ए सीमलेस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसमें 200 मिलियन चिल्ड्रन जो कि 10 से 18 साल के होंगे उनको एक फिजिकल फिटनेस के थ्रू ड्राइव किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी एथलीट सिलेक्ट होंगे उनको 5 लाख पर साल के लिए मिलेंगे, 8 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी उनको, 5 लाख रुपया हर साल मिलेगा, यानी कि 8 साल के लिए मिलेगा। इसमें जो हमारा बजट आया है वो आया है 1756 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। पैन इंडिया में चलाई गई है ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें 1000 यंग एथलीट हर साल कवर किए जाएंगे और ये 20 यूनिवर्सिटीज में अलोंग मतलब पूरी देश में 20 यूनिवर्सिटी में इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में किस राज्य को स्थान मिला है, तो दोस्तों वो मिला है केरल को, केरल ने टॉप, बिहार फ्लॉप। आप यहाँ से देख सकते हैं कि केरल टॉप पे है और बिहार सबसे लास्ट पे है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त करने की घोषणा की है, इसका आंसर दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश ने बंद कर दी है। अखिलेश ने चलाई थी एक बेरोजगारी भत्ता स्कीम जो कि यूपी सरकार मतलब योगी सरकार आने के बाद बंद कर दी गई है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति एम करुणानिधि जिनकी हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे, तो दोस्तों वो थे एक पूर्व मुख्यमंत्री, ये उनके पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया है, ये किया गया आंध्र प्रदेश अमरावती पर, विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट। नेक्स्ट, किस देश में हाइपरसोनिक विमान का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ये किया गया है दोस्तों डी चाइना में, चीन में। इस एयरक्राफ्ट की जद में होगी आधी दुनिया, इसकी स्पीड है दोस्तों 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रेंज रहेगी 5500 किलोमीटर, मिसाइल दागने की रेंज है इसकी, इसकी उड़ान है 80 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर। नेक्स्ट, पेप्सिको के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो बने हैं अभी रोमेन लगोटा, इंदिरा नुई काफी समय से इस पद पर बनी हुई थी, रोमेन लगोटा अभी बने गए हैं नए पेप्सिको के। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी ब्रांच आती हैं, जो आप क्वेकर, लेज, जो भी आप ये खाते हैं, KFC, पिज्जा, तो ये सारी ब्रांच जो है पेप्सी, ये पेप्सिको के अंदर आती है। नेक्स्ट, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये जीता है दोस्तों कैरोलिना मारिन ने, आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो इसका नाम रखा गया है दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, ये आप देख सकते हैं, पहले मुगल सराय जंक्शन था, अब क्या बन गया ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट, भारत अमेरिका से STA-1 रैंकिंग हासिल करने वाला कौन सा एशियन देश बन गया है, तो ये बन गया थर्ड यानी कि तीसरा देश। नेक्स्ट, किस राज्य की हाईकोर्ट ने राज्य में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई है, ये लगाई है हिमाचल उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने की घोषणा की है, ये है कनाडा। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय मूल के लोगों में अंध प्रत्यारोपण की समस्याओं से निपटने हेतु नया कानून बनाया है, ये बनाया है दोस्तों ब्रिटेन ने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन हेतु हाई रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च किया है, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है रेजोल्यूशन, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्या है दोस्तों चाइना ने, ये आप देख सकते हैं, ये एक हाई रेजोल्यूशन उपग्रह की पिक्चर है यहाँ पर। कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है, ये भी न्यूज में रही थी, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये बनी है एप्पल, तो एप्पल बनी है $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी। इसके जो शेयर के प्राइस है वो है $207.39, $1 ट्रिलियन यानी कि 68 लाख करोड़ रुपए, भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 42%, मतलब अगर 100 रुपए का हम लगाएं तो 100 में से 42 एप्पल के पास है। दुनिया के 192 देशों में से सिर्फ 16 की जीडीपी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है और अमेज़न $895 अरब मार्केट कैप से करीब करीब एप्पल के करीब था। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुना गया है, वो चुना गया है मार्गन केमिची को, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाले बाद का पहला राज्य बना है, वो बना है राजस्थान, राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ शहरी विकास में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों किए हैं जर्मनी के साथ। नेक्स्ट, वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं, ये चुने गए गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट,
गांधी किस राज्य की सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, ये कर दिया गया है दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त किया, चाहे वो पेंशन हो, राशन हो, बैंक हो, अकाउंट लिंक हो, या जैसी जरूरतों के साथ आधार को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसे माना गया है, वो माना गया है दोस्तों जोधपुर को। नेक्स्ट, रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर किसे माना गया, माना गया है पुणे को। तो पुणे में रहना है सुगम, या आप ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 10 है और टॉप लास्ट 10 है। तो पहले नंबर पर पुणे, दूसरे पर नवी मुंबई, तीसरे पर ग्रेटर मुंबई, चौथे पर तिरुपति, पांचवें पर चंडीगढ़, छठा ठाणे, सातवां रायपुर, आठवां इंदौर, नौवां विजयवाड़ा, दसवां भोपाल। और लास्ट अगर हम देखें तो ये है रामपुर, कोहिमा, पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, ईटानगर, पासीघाट, कवरती, सहारनपुर और सिलवासा। नेक्स्ट, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, यह बनी है सीमा कृष्णा गोदरेज, गोदरेज कंपनी की मालिक। नेक्स्ट, फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आशीष कुमार भूटानी को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति बलराम दास टंडन जिनका अभी निधन हो गया था वो कौन थे, ये है पूर्व राज्यपाल, उनके पिक्चर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो उससे मनाया जाता है 12 अगस्त को, इसकी शुरुआत हुई थी रोम देश से, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है, ये है रेखा शर्मा, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अगस्त को, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया गया था, विज्ञान भवन दिल्ली में मनाया गया था, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति हॉल में कौन बने हैं, तो ये बने हैं हरिवंश नारायण सिंह, इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति, जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके लिए मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है ये अगस्त क्रांति दिवस। तो दोस्तों ये थी हमारी 6 मंथ की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश की है मार्च से लेकर अगस्त तक की। इसमें हमने कवर की है मार्च टू अगस्त, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी स्टार्टिंग में उसमें है 1700 प्लस क्वेश्चन, यहाँ पे हमने उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हमें इम्पोर्टेंट लगे कुछ क्वेश्चंस का डेमो हमने यहाँ पर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 300 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको वो बुक चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें 8447410108, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आपकी हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो CDS हो, NDA हो, DSSB हो, KVS, CTAT, STAT, UPSC, NDA और SSC, ये बैंकिंग, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको चाहें तो आप इस नंबर पर हमें ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108। इसके साथ साथ अगर आपको मटेरियल चाहिए CTAT, DSSB, KVS या कोई भी और इम्पोर्टेंट एग्जाम, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर आप सेव करते हैं दोस्तों डॉक्टर विजय के नाम से, ये विजय सर का नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया करके कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करने की कोशिश करें ताकि आपको इस पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपका कॉल रिसीव ना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आपके सब्जेक्ट के साथ, आपके मीडियम के साथ।